ओके वेल मिड कैप इंडेक्स 10.5% नीचे है, बैंक निफ्टी इस समय 9% नीचे है, निफ्टी 7.5% नीचे, सेंसेक्स 7% नीचे। जी नहीं, आपकी स्क्रीन ख़राब नहीं है, वाकई में ये रेट्स जो हैं वो यही हैं, और ना ही मैं कुछ वीकली लॉसेस या मंथली लॉसेस बता रहा हूँ, मैं आज के लॉसेस बता रहा हूँ। अदानी पोर्ट 30% के लोअर सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ, BHEL वीरू सॉरी टू से दैट लेकिन 26% नीचे BHEL इस समय, सेकंड टॉप लूजर। BEL 26% नीचे, कॉनकोर 25% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर, CL, नैल्को, REC 25% नीचे। एबिकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर, गुड आफ्टरनून, क्या करें इस मार्केट में? मतलब ये एक आज हम सबके लिए लेसन है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा कई बार एग्रेसिव होना शायद ठीक नहीं है, लेकिन आज के इस मूव को देखकर आपका क्या व्यू है? नहीं, ऑब्वियसली अनुज, मार्केट का आज तो हाल ठीक नहीं है और सब तरफ ऑब्वियसली उदासी है, बट आई थिंक दो तीन रीजन है। ऑब्वियसली जो नंबर्स आ रहे हैं वो एग्जिट पोल के मुकाबले काफी कम है। आई थिंक क्या होगा, फ्राइडे को जो भी था बाजार, वीकेंड पे जो एग्जिट पोल के नंबर है उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। आई थिंक फ्राइडे के पहले 300-325 का जो आंकड़ा आ रहा था एनडीए का, वो सडनली लोग 360-370 400 भी बोलने लग गए, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। कल बाजार भी उस हिसाब से बढ़ा, और आज एक्चुअली यू नो थोड़ा सा निराशाजनक आई वुड से रुझान आ रहा है अब तक। इट्स स्टिल अर्ली डेज, बट मोर और लेस मुझे लगता है 290-300 के आसपास ही घूमना चाहिए, बिकॉज ये आधे घंटे से उधर ही घूम रहा है। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के मुकाबले हम 3-4% ही नीचे हैं, तो कल हम 3-4% बढ़े थे, आज 7% नीचे हैं। हाँ, कोई कोई जो शेयर हैं, जो PSU हैं, डिफेंस वाले हैं, रेलवे वाले हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप वाले हैं, वर सपोज टू बी बेनिफिशियरी ऑफ दिस गवर्नमेंट कमिंग इन, वो ज्यादा गिरे हैं। उसमें दो तीन कारण है, एक तो उसमें थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन भी था, प्लस काफी शेयर वैल्यूएशन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, वो इतने ऊपर हो गए थे, पर्टिकुलरली जो डिफेंस और रेलवे और ये सब जो स्टोरीज रिलेटेड स्टॉक थे, तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा है। बट जो है वो है, आज बाजार जो है वो भी है, आई थिंक थोड़ा झेलना पड़ेगा उसको। आई वुड से दैट आज की तारीख में तो कुछ करना नहीं चाहिए, देखते हैं, दो तीन घंटे की बात है, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। बट ये आप कह सकते हो कि एक बार जो मोमेंटम जो बना था वो थोड़ा तो पंचर हुआ है, तो उसको महीना दो महीना लगेगा कॉन्फिडेंस आने में वापस। सही बात कही आपने सुनील सर, और आई थिंक अभी अभी रामदेव सर ने भी एक बात कही थी। रामदेव सर ने एक्चुअली दो बातें कही थी। रामदेव सर ने एक तो कहा था कि अभी मार्केट में बायर की कमी हो जाएगी, और दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं तो बाय कर रहा हूँ आज। अब आप बताइए आपका क्या भी होगा, क्या आप भी बाय कर रहे हैं आज? अनुज जी, ना 5% नीचे या 5% ऊपर जाने से हमारा फंडामेंटल व्यू चेंज नहीं होता है। तो जस्ट बिकॉज समथिंग इज डाउन 5% आर व्यू विल नॉट चेंज। बट जैसे मैंने कहा, अभी एक दो घंटे की और बात है, आई थिंक क्लैरिटी आने दीजिए। अगर ये 300 सीट भी आ जाती है तो प्री एग्जिट पोल तो ऐसे भी 300-325 का ही अनुमान था, तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड आउटकम। इट इज गोइंग टू बी सुनील सर, वो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उसमें क्या था ना, उस समय जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये था कि ये एक्सपेक्टेशन थे कि बीजेपी की खुद की 272 और एनडीए की 300। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एनडीए भले ही 300 के करीब, लेकिन बीजेपी की खुद की काफी कम है, और एलाइज काफी पुल कर रहे हैं उनको इस बार, तो वो एलाइज कहीं साथ ना छोड़ दें, ये एक मार्केट को रिस्क लग रहा है। इसके लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। नहीं देखो अलायंस ऐसा कोई, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई व्यू है कि अलायंस उनको छोड़ देंगे, और ये भी हो सकता है कि दूसरे जो थर्ड ग्रुप है जिसको 20-30 सीट मिली है वो भी तो इनको सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो आई थिंक ये कंजक्चर है, और इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं ज्यादा फ्रेंकली क्लोजली मुझे पॉलिटिक्स समझ में भी नहीं आती है, तो दोनों तरफ हो सकता है। आई थिंक 30-40 सीट्स ऐसे लोगों को गई है जो दोनों अलायंस से अलाइंड नहीं है, तो उसमें भी है ना, वो 25-30 सीट तो है ना अवेलेबल। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन मार्क है कि सरकार किसकी बनेगी एज ऑफ नाउ, क्योंकि काफी सीट्स में अंतर बहुत कम है,
तो अभी भी 1-2 घंटे बाद ही हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल कौन सी तरफ मूव हो रहा है। बट जो दिख रहा है और 1 घंटे तक जो 290-95-300 के आसपास जो घूम रहा है आंकड़ा, उसके हिसाब से लग रहा है फाइनल टैली इसके आसपास ही होनी चाहिए। जहां तक खरीदारी का सवाल है, आई थिंक 3-6 महीने में ऐसा हो गया था ना अनुज के आपको सेक्टर पसंद है बट वैल्यूएशन आपको बिल्कुल पसंद नहीं थे। और लकीली हमारे पास वो सब सेक्टर और वो सब स्टॉक बहुत ही या तो है ही नहीं, एक्सेप्ट अ कपल ऑफ पीएसयू बैंक्स हमने अवॉइड किए बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, नॉट क्योंकि वो अच्छे स्टॉक नहीं है, सेक्टर अच्छे नहीं है। हो सकता है ये जो शार्प करेक्शन हुआ है उसमें 2-4-5 दिन में एक ऐसा मौका मिल जाए जैसे जो शेयर 100 का था वो 50-60 में मिल जाए, तो आई थिंक वी वुड डेफिनेटली बी इन्वेस्टर्स। क्योंकि अगर आप 5 साल का व्यू देखो तो इंडिया का जो यूथ है वो वैसे रहने वाला है, 29-30 ईयर्स की मीडियन एज वैसी रहने वाली है, ग्रोथ 6-7% 100% रहेगी। आई थिंक अभी लोग डिमांड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज नॉट दैट गवर्नमेंट के ऊपर है, हम डिमांड करते हैं कि हमको एयरपोर्ट चाहिए, हमको रोड चाहिए, हमको ब्रिज चाहिए। तो आई थिंक बाकी सब नरेटिव ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो हो सकता है 2-4 दिन में ऐसा मौका मिल जाए जो सेक्टर बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन में आ जाए। सुनील, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि अब तक डोमेस्टिक फ्लो और रिटेल निवेशकों का फ्लो इतना मजबूत था कि एफआईआईस की जितनी भी बिकवाली आती थी उसे हम पचा लेते थे। अब ऐसा लग रहा है कि एफआईआईस को शायद कुछ पता था कि इस तरह का अपसेट हो सकता है, या फिर उन्होंने अपनी पोजिशनिंग बहुत समझदारी से कर ली। अब उनका पैसा आएगा या नहीं वो बड़ा क्वेश्चन मार्क महीनों से रहा है। क्वेश्चन ये है कि रिटेल ने जो इतना भरोसा दिखाया था भारतीय बाजारों में, आज के इस बड़े करेक्शन और जो आप कह रहे हैं मूड अगले 2 महीनों तक बिगड़ा रहेगा, क्या वो पैसा कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर द न्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने शायद इस तरह के फॉल्स, इस तरह का शेकअप मार्केट में पहले कभी देखा नहीं है। नहीं, आपका कहना सही है। आई थिंक मार्च 20 जब कोविड का जो करेक्शन आया था, जब 1 हफ्ते में 30-35% बाजार गिर गया था, उसके बाद में हमें 2-3 छोटे छोटे झटके लगे हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर था या क्रेडिट स्विस का कुछ इम्पैक्ट था, तो छोटे छोटे झटके लगे हैं, बड़ा आज पहली बार लग रहा है। लेकिन अगर आप देखिए ना, फ्राइडे से आज बाजार 3-4% ही नीचे है। हम कल से देख रहे हैं कि आज 7% नीचे है, कल का आप 3-4% का मूव हटा दीजिए तो फ्राइडे का जो लेवल था जो 22,300-22,400 था उससे तो हम 3% ही नीचे हैं। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं है। हाँ, अगर आप गलत शेयर में थे जो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगे हो गए थे तो उन शेयरों में आपको 20-25% का फॉल देखने मिल रहा है, बट फ्राइडे के हिसाब से तो आज अभी तक भी हम 3-4% ही नीचे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस छोटे से इम्पैक्ट के वजह से रिटेल पैसा आना बंद हो जाएगा। दूसरा, आई थिंक जैसा आपने कहा कि फॉरेनर्स बहुत लाइट थे, हो सकता है वो अभी इसका मौका उठाएं ये फॉल का, और जो साइड में बैठे थे, हमें तो लगता है हम भी काफी फॉरेनर से बात करते हैं क्योंकि हम पैसा भी मैनेज करते हैं उनके लिए। आई थिंक एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू द मार्केट, मे बी ये अपॉर्चुनिटी है जिससे वो इंडिया को फिर से देखने लगे और उनको वैल्यूएशन फिर से समझ में आने लगे। आई थिंक ये कंजेक्चर है, देखिए हम ज्यादा नेगेटिव नहीं है, आई थिंक फ्लोज विल कंटिन्यू। ओनली थिंग इज ये 295-300 ये सेक्रोसेंट होना चाहिए, ये 270-280 नहीं हो जाए, और हो सकता है अगर 310 हो जाए तो बाजार थोड़ा सा पलटी भी खा सकता है। तो आई थिंक इट्स स्टिल वी आर 2-3 आवर्स अर्ली टू टेक अ वेरी एग्रेसिव कॉल ऑन ईदर साइड। अच्छा सुनील सर, एक 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 बात, जिस स्पेस की आप बात कर रहे हैं जो कि एक्सपेंसिव थे और अब थोड़े से कूलिंग ऑफ हुई है, उसमें उसमें नीतिगत फैसलों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि इन नंबर्स के साथ पेट्रोल डीजल की भविष्य में प्राइसिंग। अब कोई भी सरकार आए उसकी सॉफ्टनेस, पेट्रोल डीजल प्राइस सॉफ्ट हो, इस बात की 99% पॉसिबिलिटी है। ऐसे स्पेसेस जिनमें बहुत लोगों ने पैसा बनाया, एंड स्पेशली सर CY13 का सेकेंड हाफ तो OMCs ने डोमिनेट किया था, इन ग्रुप्स पे आपका व्यू क्या है? OMCs पर, HPCL, BPCL, IOC? सर अभी है ना, अभी अभी कुछ निर्णय भी नहीं हुआ है, उसके पहले हम आई थिंक वी आर शूटिंग द गन अहेड ऑफ इट्स टाइम। मेरा कोई व्यू नहीं है इस पे, अभी तक तो फाइनल टैली भी नहीं आई है, सरकार कौन बनाएगा वो भी नहीं आया है, क्या इनका नरेटिव रहता है वो भी नहीं आया है। बट हमारे हिसाब से अगर थर्ड टर्म ये सरकार का रहेगा
नरेटिव इज नॉट गोइंग टू चेंज ड्रामेटिकली। हाँ, जो थोड़ा सा है कि एम्प्लॉयमेंट को लेके या रूरल स्ट्रेस को लेके वहां थोड़ा सा एक सोशलिस्ट माइंडसेट बन सकता है, बट अगर आप ये इलेक्शन के नतीजे देखो ना, तो ये ऐसा नहीं है कि अर्बन ने एक तरफ वोट किया है और रूरल ने एक तरफ वोट किया, ये मिक्स है। आई थिंक ट्रेंड्स आर कॉमन अक्रॉस, ये स्टेट वाइज है। आई थिंक सिर्फ 3 या 4 स्टेट, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, इसमें थोड़ा सा शॉक लगा है, बाकी तो सब स्टेट अनुमान के हिसाब से ही वोट कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज अबाउट महंगाई या रूरल स्ट्रेस या अक्रॉस द बोर्ड, कोई कोई पॉकेट में है, वो पॉकेट को जो भी गवर्नमेंट बनाएगा उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और हमें तो अभी भी जो लग रहा है, जैसे मैंने कहा है 293-94, 1.5-2 घंटे से वही नंबर चल रहा है, तो हो सकता है कि ये फाइनल तक भी हमें यही मानना चाहिए कि यही रहेगा, तो थर्ड टर्म होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, लेट्स लुक एट दिस सिचुएशन पॉजिटिवली, कि सरकार, तीसरी सरकार बीजेपी ही बनाएगी, अब वो नंबर जो भी आएगा आएगा, बीजेपी की अगुवाई में वो सरकार बनती है, तो आज जो बड़ा करेक्शन आया है, अब यहाँ से आगे आपने कहा इस डिप में कुछ मौके भी आएंगे, जहाँ पर वैल्यूएशंस पहले बहुत एक्सपेंसिव थे, इस करेक्शन में वो थोड़े से रीजनेबल दिखाई देंगे, वो लिस्ट आप लोगों ने क्या बना के रखी है जहाँ पर शायद वो अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढेंगे नया पैसा लगाने की? तो ऐसा है ना, लास्ट 25-30 साल में ये पहली बार नहीं हुआ है कि बाजार है ना 4-5% गिरा है, बाजार पहले 15-20% भी गिरा है, और हर बार इकोनॉमी ग्रोथ में कोई उसका इम्पैक्ट आया नहीं, और बाजार फिर से धीरे धीरे अपने ट्रेंड पे चल जाता है। जहां तक आपने कहा लिस्ट, आई थिंक लिस्ट ऑब्वियसली यू नो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टॉक 25-30% एक दिन में गिर जाएंगे, तो एनालिस्ट लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम, बट एज आई सेड यू नो ऐसा नहीं है कि कोई शेयर 20% गिर गया तो मैं जाके ले लूंगा उसको, हो सकता है अभी भी गिरने की जगह हो। जैसे मुझे लगता है काफी स्टॉक मे बी 100-100% है ना ओवर वैल्यूड थे, तो जब तक वो आधे नहीं होंगे तब तक उनमें जगह नहीं बनती, लेकिन हो सकता है ऐसे स्टॉक हैं जो 10% गिरने के बाद में भी अट्रैक्टिव लगने लगे। तो आई थिंक लिस्ट रेडी है, वी आर सिटिंग ऑन कैश, सबके पास होगा थोड़ा थोड़ा कैश, वी आर पॉजिटिव, इंडिया में जो भी लास्ट 20-25 साल में पॉजिटिव रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ उसी का बना है। हमारा एक क्लियर मानना है कि आगे भी 5-10 साल में वेल्थ बनेगी। हाँ, थोड़ा एक बार नियर टर्म में लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा फ्राइडे से आज तक वी आर डाउन 3%, तो आप चिंता मत करिए, 3-4% तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अभी भी बाजार बंद नहीं हुआ है। वी आर वेरी होपफुल कि अगर ये 300 की तरफ नंबर आना शुरू हुआ तो हो सकता है बाजार 2-3% और रिकवर कर जाए। एक्चुअली सुनील सर, बाजार आपको सुन रहा है, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए निफ्टी किस तरीके से रिकवर कर रहा है इंट्राडे में, हम एक्चुअली सर्किट की तैयारी कर रहे थे, अब तो एटलीस्ट वो लग रहा है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है, और निफ्टी निचले स्तरों से 3% रिकवर कर चुका है, करीब करीब 600 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आ चुकी है, और आई थिंक ये 550 पॉइंट वही वीरू, तो क्लियरली कहीं ना कहीं रिकवरी है। और एक बार जरा एक काम करते हैं, एक बार जो स्टॉक्स निफ्टी पर डे लो से रिकवर कर रहे हैं उनको ले आते हैं, उनमें सबसे ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस है, एक्चुअली 10% की रिकवरी हो चुकी है लोवेस्ट लेवल से, NTPC में 8% की रिकवरी हो चुकी है लोअर लेवल से, SBI में वीरू 7% की, हीरो मोटोकॉर्प देखिए। अच्छा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर मार्केट कुछ एक अलग ही व्यू लेकर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हीरो मोटोकॉर्प, ये शायद, अच्छा सुनील सर, अब जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, अब आई नो कि यू वोंट टॉक स्टॉक्स, लेकिन अब मॉनसून भी हम समझ रहे हैं कि अच्छा आएगा, ठीक है, और थोड़े से क्रूड प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं, तो मैक्रो तो सुधर ही रहा है, तो क्या इस तरीके के स्टॉक्स और सेक्टर्स पर ध्यान दिया जाए कुछ टाइम के लिए? इंटरव्यू में पहली बार आपने है ना सही कहा कि मार्केट अल्टीमेटली है ना मैक्रो इकोनॉमी और इकोनॉमी को देखता है, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। आज अगर इतना अगर घबराहट होती ना तो करेंसी हमारा रुपया 10-20 पैसा नहीं गिरता, वो 1-2 रुपया गिर जाता। हमारी यील्ड है वो 5 बेसिस पॉइंट से वीक हुई है, ऐसा नहीं है कि 0.5% से वीक हो गई है। तो आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर कंप्लीटली इन फेवर, टेलविंड है। अगर आप देखिए ऑयल जो ग्लोबल प्राइजेज हैं वो 75-80 डॉलर्स के बीच में घूम रहे हैं, हमारा व्यू है कि वो नीचे आ जाएंगे। रूरल देर इज एन अपटिक, और हो सकता है ये इलेक्शन के बाद में थोड़ा और रूरल पे काम हो। मानसून हैज ऑलरेडी हिट केरला, ऐसा लगता है कि जो लोगों ने फोरकास्ट किए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो मेट डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से लगता है मानसून विल बी 105-110% ऑफ नॉर्मल। आई थिंक
मैक्रो इकोनॉमिक सब फेवर में है अभी। हाँ ये जो है 10-20 सीट का खेल है, लेट्स सी, होपफुली एज आई सेड यू नो थोड़ा बहुत 1-2 घंटे में और क्लैरिटी आ जाएगी। जिस लेकिन मेरा एक क्लियर मानना है कि अगर 300-305 तक पहुंच जाएंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी आएगी। 293-294 आज का जो मार्केट है उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। सम सेक्टर सम शेयर्स जिसमें बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया था उसको कोई रीजन चाहिए था गिरने का, और मे बी दिस इज द रीजन तो गिरा है। आई थिंक बहुत क्लियर है, रोज आते थे हमको भी लगता था कि हम आउटडेटेड हो गए हैं। हर शेयर 10-10% रोज बढ़ जाता था, ये शिपयार्ड कंपनी और डिफेंस कंपनी, ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया पता नहीं, बट ठीक है यू नो आई थिंक दे नीडेड अ रीजन टू करेक्ट, वो आज आ गया रीजन। ये थोड़ी सी वैसे आप देखो, एक तो आप इतने टाइम के बाद हमारे चैनल पर आए, इतने टाइम का आपने ब्रेक लिया, और उसके बाद अब आप बोल रहे हैं कि ये It's बस पहला ढंग का सवाल पूछा हमने आपसे। हाँ, नॉन इलेक्शन रिलेटेड। नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर सुनील सर, बिल्कुल आपने सही बात कही। वैसे खैर मार्केट में थोड़ी रिकवरी तो इस समय आ रही है। अच्छा एक चीज़ अगेन, क्योंकि आपके पीएमएस में भी बहुत लोगों ने पैसे लगाए होंगे जो इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में शायद पहली बार आए हैं, ठीक है ना, क्या उनके लिए भी ये एक लेसन है कि मार्केट में थोड़ा कई बार अग्रेशन कम किया जाए और थोड़ा सा हेजिंग भी की जाए तो वो ठीक रहता है? देखो अनुज, हमने है ना एक साल से है ना हमारे इन्वेस्टर को बोलना शुरू कर दिया था दैट रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैव टू बी मॉडरेट। लास्ट 3-4 साल में हर फंड ने 30-40-50% एवरी ईयर रिटर्न दिए, वो अनरियलिस्टिक है। यू नो अगर वैसा रिटर्न चलता रहा तो दुनिया के सब बिलियनर इंडिया में हो जाएंगे। तो आई थिंक रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हमने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था एक साल से कि भैया आप जितना प्रॉफिट ग्रोथ होगा उतना ही रिटर्न एक्सपेक्टेशन कीजिए, तो 15-16% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर दिए। तो आई थिंक वो इन्वेस्टर है ना उनको ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि वो लंबे समय के लिए कंपाउंडिंग 12-15% रिटर्न बनाने में 5-6 साल में 4 साल में डबल करने के पैसा वेल्थ वो हो सकता है। लेकिन देर इज वन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर, उनको फंडामेंटल और ये सब ना समझ में आता है ना वो कोशिश करते हैं, वो डे ट्रेडर्स हैं या आवरली ट्रेडर्स हैं, मैं बोलूंगा फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं। आई थिंक उनको थोड़ा एक झटका लगना जरूरी था, बिकॉज लास्ट 2-3 साल में आप कुछ भी खरीदो अगले दिन आपका ऊपर ही बिक रहा था, तो ये थोड़ा एक रियलिटी चेक है। बट यू नो आई थिंक वो हरदम होता है, हम भी जब भी नए नए आए थे हमने भी थोड़ा नुकसान करके ही सीखे हैं, तो आई थिंक वो भी सीख जाएंगे। बट देश में ग्रोथ इज नॉट अ चैलेंज। मार्केट में पैसा बनेगा क्या? 100% बनेगा। आई थिंक दीज काइंड ऑफ इवेंट्स ओनली इंश्योर कि आप सेम गलती दोबारा मत करिए, थोड़ा समझ के थोड़ा सा फंडामेंटल को देख के इन्वेस्ट करिए। और आई थिंक यू नो कोई कोई मुझे तो अभी भी लगता नहीं है कुछ होगा। इनफैक्ट यू नो एक अच्छे बुल रन में लोग कहते हैं कि 13-14% के अगर आपके रिटर्न इंडेक्स बनाकर दे दे वो एक पॉजिटिव होता है, लेकिन पिछले 2-4 महीनों में हमने वो 13-14% इंडिविजुअली हर रोज एक एक स्टॉक की तरह से आते देखे हैं, इसीलिए वो एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ऊपर चली गई हैं। अब उन एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी टेपर डाउन करने की ज़रूरत होगी, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर 25 वाले साल में एक्विटी वाला ही साल रहेगा, रिटर्न्स बनेंगे डिस्पाइट ये करेक्शन अगर थोड़ा सा और भी लास्ट करता है। नहीं, इक्विटी 100% रिटर्न बनेंगे अगर हमारा ग्रोथ 7-7.5% जो दिख रहा है, आज अब मार्च के नंबर देखिए 8% ग्रोथ आया। कौन सी कंट्री, आई थिंक 99% ऑफ द कंट्री अगर 2% ग्रोथ आएगी ना तो खुश होगी, हमारे 8% ग्रोथ है। अब ये 8% ग्रोथ है ना, हो सकता है आधा पौना परसेंट इधर उधर हो जाए डिपेंडिंग ऑन सम पॉलिसीज, बट ये इनहेरेंट है हमारी यंग पॉपुलेशन, डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, ये जाने नहीं वाली है। और जहां तक है ना इन्वेस्टर का सवाल है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देर आर मोर इन्वेस्टर्स वेटिंग ऑन द साइडलाइन टू इन्वेस्ट देन दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड। काफी पैसा है जो साइडलाइन पे बैठा है, डोमेस्टिक भी ओवरसीज भी। आई थिंक एक बार थोड़ा ये आज का इवेंट खत्म हो जाए, थोड़ी क्लैरिटी आए। आई एम नॉट सेइंग दैट कल का कल पैसा आ जाएगा, बिकॉज अभी भी क्लैरिटी नहीं है, हमको पता नहीं है कि फाइनल फिगर क्या होने वाले हैं। आई होप देर इज नो शॉक इन द नेक्स्ट 1-2 आवर्स, बिकॉज बहुत ही कम सीट का मामला है ना, 15-20 सीट यहाँ वहाँ हो गई तो देन यू कैन हैव अ रियली रियली बिग शॉक इधर वेज। तो आई थिंक आराम करिए, अभी कुछ मत करिए, ना आप खरीदिए ना बेचिए, आराम से टीवी देखिए,
रुझान देखिए और सोच समझ के एट द एंड ऑफ द डे आप डिसीजन लीजिए। आज का दिन वैसा ही है कि बस आराम से टीवी देखिए, क्योंकि कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से ज्यादा एंटरटेनमेंट आपको टीवी स्क्रीन पर और सिर्फ ग्राफिक्स देखकर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, होपफुली अगली बारी जब बात करेंगे स्थिति और बेहतर रहेगी, रौनक रहेगी मार्केट में और इस तरह के हाल नहीं होंगे। टॉक टू यू सून। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, कि मार्केट भी निचले लेवल से अपनी चाल को काफी बेहतर कर पाया। वीरू अब कभी भी हम 22,000 के ऊपर आ जाएंगे, आ गया 600 पॉइंट के लिए, 22,001 और डॉट 200 डेमा। कभी कोई कहता ना कि टेक्निकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, आज वो प्रूव हो गया होते हैं। डॉट 21 एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही, बहुत अगली रिवर्सल कि कौन किसका सहयोगी होगा, कौन किसके अलाइज में होगा, ये तो अभी तय होगा ना, है ना। राजेश जी कुछ कहने में सक्षम है अभी, राजेश सतपुते जी, या अभी भी वो कोलगेट के साथ चलेंगे सुबह वाले? अभी तो हौसला बढ़ गया होगा राजेश जी। नहीं नहीं गुड आफ्टरनून अगेन। नहीं नहीं कोलगेट के साथ तो हो गया, सुबह की मुस्कान हो गई। इतने बड़े आप कह सकते हैं कि बेरिश मार्केट में अपना तेजी का फॉल चल गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात है वीरेन जी, मैं वेट कर रहा था कि अगर मुझे चांस मिले तो मैं बोल दूं 21,250 सपोर्ट है और बस मेरा काम हो गया, क्योंकि जो डिस्कशन मैं भी सुन रहा था कीनली, और वही सपोर्ट से देखिए आज बाजार 600 पॉइंट गया, 600 से ज्यादा मुझे लगता है कि 750 पॉइंट अगर आप देखें निफ्टी यहाँ पे घूम गया, तो मुझे लगता है कि आज की वोलेटिलिटी जो है वो अभी यहाँ से थोड़ी कम होनी चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए और 21,200 21,250 ये सपोर्ट काम करना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। अभी विश्राम लिया जाए थोड़ा सा, है ना, एक ब्रेक लेते हैं, विराम ले लेते हैं, विश्राम का तो समय नहीं है, विराम लेंगे और विश्राम करके आएंगे थोड़ा सा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जो फिगर्स आपकी स्क्रीन पे हैं कोई डिसाइसिव एक मूव और लें, बहुत देर से इस अगर आप देखें रेंज में स्थिर हैं, अगला एक घंटा बाजार के लिए भी और आई थिंक हर प्रोस्पेक्टिव से बहुत निर्णायक होगा। एक से दो का शो, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।